कश्मीर की चहल पहल सड़क पर दिखाई पड़ती हुई। जाम सभी लोग घर पहुँचने की होड़ में रास्ता सीधे ऊपर कोतवाली के पास निकलेगा। दाहिनी तरफ कोतवाली की तरफ और झंडेराव गेट और बाईं तरफ रानी महल दूसरे एरिया सामने मंदिर बहुत ही सिद्ध मंदिर लगता है। पूजा पाठ होती है यहाँ। शिवलिंग के दर्शन। मौसम अपेक्षा के ताज कुछ बदली ऐसा लगता है। गुरुदेव कल जो कलश यात्रा है उसके लिए मौसम सही करते हुए शायद निःशुल्क चिकित्सा परामर्श लेकिन सब कुछ तो दवा में जोड़ के ले लो कि भैया क्या निःशुल्क है हैं? रास्ता सब दुकानें भाइयों की दाईं तरफ जो लगी हैं एक रास्ता यहीं से इधर गोविंद चौराहा मिनरवा चौराहा से जाते हुए बाजार में चहल पहल। ये रास्ता सीधे बड़ा बाजार से गया है जी। की सवारी कोई हेलमेट नहीं। थाना शहर कोतवाली झांसी काले बादल घने होते हुए हो सकता है कि आंधी तूफान भी आ सकता है क्योंकि दिन में आज पहली बार मौसम बहुत गर्म था। शायद हो सकता है 38 डिग्री सेल्सियस तापमान। अनसुईया रोड की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे ये घुटना टेक हनुमान अभी प्रसाद लाइट नहीं जली है किले में।
थोड़ी देर में जलने वाली होगी। ये तिराहा यहाँ से दाहिनी तरफ आप चले जाएंगे तो ये पानी की धर्मशाला सीधे माँ शीतला माता मंदिर धनश्री और आधे बादल वैसे दो दिन पहले चींटियां अपने अंडे लेके सुरक्षित स्थानों को जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद बारिश आ सकती है क्योंकि यही वो निशानी होती है। ये सामने हनुमान जी का अति सिद्ध मंदिर पंचकुलिया मोड़ पे खंडेराव गेट का ये तिराहा। दर्शनीय व्यायाम मंदिर वाला एरिया आसिक चौराहा, इसी को पुरुषोत्तम दास नंदन चौराहा भी कहते हैं। घने कादल काले बादल ये पूरा मार्केट का व्यू है। बिजी मार्केट माल मानिक चौक गुलफित्र की मार्केट। अरे भाई ज्यादा इधर सभी जगह सेंसिटिव सेंसिटिविटी की वजह से देखिए वहाँ मार्केट में भी काफ़ी फोर्स थी, यहाँ पे भी बैरिकेडिंग लगा हुआ पुलिस चौकस। काले बादल तालाब के मोड़ पे पहुंचने वाला ब्राह्मण जैन समाज का ये मंदिर बगल में बहुत है। लेफ्ट साइड मंदिर जैन समाज झांसी लालिमा बिखेरे हुए हैं। देखिए सूर्यदेव हाथिया तालाब में कोई रोशनी नहीं है, अभी थोड़ी देर में रोशनी होगी।